हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे रैंकाइन साइकिल के न्यूमेरिकल की तरफ कि हमारी जो रैंकाइन साइकिल है उसके क्या क्या हमारी प्रॉब्लम आती है। अगर दोस्तों आपने रैंकाइन साइकिल नहीं देखा है तो रैंकाइन साइकिल क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से होता है तो आप जरूर देख लें, और इसका पीवी और टीएस डायग्राम किस तरीके से बनता है। अगर आप रैंकाइन साइकिल सीख लेंगे तभी आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का अक्सर इस तरीके से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि द सिंपल रैंकाइन साइकिल वर्क बिटवीन प्रेशर 28 बार एंड 0.06 बार द इनिशियल कंडीशन ऑफ द स्टीम बीइंग ड्राई सैचुरेटेड। ठीक है, इतनी कंडीशन गिवेन है। अब हम बात करते हैं इसके पी और टी और एस डायग्राम के बारे में। ये टीएस डायग्राम इसका बनाते हैं। जिस तरीके से हमारी कंडीशन गिवेन है कुछ इस तरीके से हमारा बनता है पीवी डायग्राम इसका, सॉरी टीएस डायग्राम रैंकाइन साइकिल का। ये 1 से 2 इस तरीके से होगा, 1 से 2 हमारी साइकिल हो गई, और 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, ठीक है, और 4 to 5 एंड 5 to 1। ठीक है, अब कह रहा है यहां का प्रेशर कितना गिवन है, 28 बार क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, रैंकाइन साइकिल में, और कितना गिवन है यहां पे, कितना गिवन है हमारा 0.06 बार। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने मान लिया भाई जो हमारा P1 है वह हमारा कितना है 28 बार, और हमारा जो P2 है वह कितना है 0.06 बार। फिर पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा, साइकिल एफिशिएंसी कितनी होगी, वर्क रेशियो क्या होगा, और स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कितना होगा। इतनी सारी चीजें पूछ रहा है। अब देखो अगर आप रैंकाइन साइकिल पढ़ रहे हैं तो आपको पहले दोस्तों स्टीम टेबल देखना आना चाहिए। ठीक है, देखो तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूं टेबल के बारे में, किस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां में किस इंथाल्पी और इंट्रोपी को फाइंड करना पड़ेगा, उसी के हेल्प से क्या करेंगे हम ये सारी वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ओनली प्रेशर गिवन है, P1 गिवन है और P2 गिवन है। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें H2 चाहिए, H1 चाहिए हर एक के लिए। तो अगर मैं बात करूं एट 28 बार के लिए, ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इसको देखते हैं टेबल को हम, ताकि हम यहां से H1 को और S1 को फाइंड कर सकें। ठीक है, देखो ये हमारी क्या है दोस्तों, टेबल है प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम। यहाँ पे क्या है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर गिवन होता है, जिस प्रेशर पे हमें चाहिए वहां पे हम सामने वैल्यू देखते हैं। ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा होता है स्पेसिफिक वैल्यूम इन मीटर क्यूब पर केजी, ये हमारा वैल्यूम है, वाटर में है तो वाटर में, स्टीम है तो स्टीम का, और हमारा क्या गिवन होता है, स्पेसिफिक इंथाल्पी हमारी गिवन होती है और स्पेसिफिक इंट्रोपी गिवन होती है। यही जो दो चीज को हमें क्या होता है फाइंड करना पड़ता है। अब देखो जो इंथाल्पी है वो भी 3 टर्म में होगी, या फिर हमारा वाटर होगा, या इवेपोरेशन, और या स्टीम होगी। इसी तरीके से सेम हमारा स्पेसिफिक इंट्रोपी में है, गिवन हमारा क्या है, वाटर की कंडीशन है कि इवेपोरेशन हो रहा है या फिर स्टीम है। तो यहां से हम क्या है वैल्यू को देखते हैं। अब देखो हमें यहां चाहिए क्या, 28 बार पे हमें चाहिए H1 की वैल्यू चाहिए, H1 हमारा कितना होगा, और हमें चाहिए कि हमारा S1 कितना होगा, इंट्रोपी कितनी होगी और एंथाल्पी कितनी होगी। ठीक है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। यहां तो हम फाइंड कर नहीं सकते, यहां पे फाइंड करेंगे भाई इस पे। तो देखो अगर हम बात करें 28 बार की, तो ये हमारा क्या प्रेशर गिवन है, यहां पे है नहीं, देखो बात करते हैं 28 बार की, ये देखो यहां क्या है 27.5 गिवन है और 28 दिया है। ठीक है, तो यहां से हमें चाहिए क्या, स्पेसिफिक इंथाल्पी चाहिए, देखो स्पेसिफिक इंथाल्पी आ गए, क्या हमें चाहिए, किस टर्म में चाहिए, देखो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, जब क्या हो, ड्राई सैचुरेटेड हो, यानी सैचुरेटेड कंडीशन में चाहिए, यानी यहां पे 3 कंडीशन होती है जैसे मैंने आपको बताया था। देखो एक बार फिर से दिखा देता हूं इंथाल्पी का, देखो वाटर है, इवेपोरेशन, स्टीम है। यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, स्टीम की बात कर रहे हैं, तो स्टीम वाले चार्ट पे देखेंगे ये हमारी कितनी है 28.02.0, यानी यहां से हमें मिल गया 28.02.0, ये हमारा आ गया क्या, आ गया H1 आ गया। ठीक है, ये हमारा किसमें है, यूनिट किलो जूल प्रति केजी में है। इसी तरीके से एंट्रोपी की बात करते हैं, ये हमारी क्या एंट्रोपी है, ठीक है, कितनी है 6.2104। ठीक है, यहां भी देखो एंट्रोपी में भी इसी तरीके से हमारी 3 कंडीशन है,
वाटर है, इवेपरेशन है, स्टीम है, तुम्हारा क्या स्टीम की बात कर रहे हैं, तो स्टीम से देखेंगे 6.2104। तो यहां से हमें एंट्रोपी मिल गई, कितनी है 6.2104 किलो जूल प्रति केजी कैलोरी। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता चल गई यहां से कि हमारी एंट्रोपी किस तरीके से फाइंड होगी और एंथैल्पी किस तरीके से फाइंड होगी। इसी तरीके से सेम आप फाइंड कर लेंगे 0.06 के लिए, बार के लिए। अब तो आपको ये दिखाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, पहले इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं अभी, इस पॉइंट के लिए यहां में चाहिए HF2, क्योंकि डायरेक्ट हम नहीं फाइंड कर सकते यहां पे, तो हमें क्या चाहिए HF2 चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, देखेंगे अब यहां से हम क्या करेंगे, क्या चाहिए 0.06 बार के लिए चाहिए, और ये हमने यू F2 डिनोट किया हुआ है, हमें इस पॉइंट की चाहिए, इस पॉइंट के लिए चाहिए, वो भी किस कंडीशन में, सेचुरेटेड है, इसलिए मैंने इससे डिनोट किया हुआ है। अब देखो अगर आपको थोड़ा सा विजुअल हो रहा हो, देखो ये हमारा क्या है, प्रेशर है गिवन है 0.06। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या है सेचुरेटेड की, देखो 151.53। ठीक है, इसी तरीके से आप टेबल में देख लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसे। तुम्हारा वैल्यू कितना था यहाँ पे 151.15 किलो जूल प्रति केजी, यहां से हमें HF2 मिल गया। अब ये टर्म और ये टर्म क्या है, दोनों इक्वल है, यानी ये भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा किसके, HF3 के बराबर। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें चाहिए एक क्या क्या चाहिए इसका, कि इवेपोरेशन हमारा कितना हो रहा है इसी पॉइंट पे, तो ये कितना हमारा हो रहा है, देखो ये फिर देखते हैं एक बार, देखो इवेपोरेशन कितना हो रहा है, ये 24.15.9, ये आपको दिख गया होगा, तो वही हमने लिखा है इस पॉइंट के लिए, 2 के लिए कितना है 24.9 किलो जूल प्रति केजी। इसी तरीके से हम एंट्रोपी को फाइंड करेंगे, अब ये कितना हमारा 0.521। अब दोस्तों आप चार्ट देखिएगा, आपको समझ में आएगा, अगर मैं बार बार आपको चार्ट दिखाऊं काफी टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से हमें इसको भी वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि यहां पे हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, यहां पे हम फाइंड कर सकते थे, इसलिए हमें डायरेक्ट एंट्रोपी और वो मिल गया है एंथैल्पी, अगर यहां पे भी मिल जाता तो हम इजीली सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या है, ये वैल्यू हम चार्ट से देखेंगे तो 7.809 आएगा किलो जूल केजी केल्विन। ठीक है, और हमारा जो वैल्यूम है इस पॉइंट पे, जो वैल्यूम होगा हमारा, स्पेसिफिक वैल्यूम होगा हमारा, वो आएगा 0.001 मीटर क्यूब पर केजी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर हम 1 और 2 की कंडीशन को देखें, यहां पे देखो तो यहां पे क्या है, एंट्रोपी S1 हमारा क्या S2 के इक्वल है कि नहीं है, तो देखो S1 हमारा क्या है, S2 के इक्वल है। यहां पे S1 अगर इक्वल और S2 है, अगर हमें यहां पे अगर हमें H को फाइंड करना है, यानी H2 को फाइंड करना है या फिर हमें X2 को फाइंड करना है, तो हमारा जनरली फार्मूला क्या होता है, अगर हम S की बात करें, S2 के लिए बात करें, तो हमारा क्या होता है SF2, ये हमारा जनरल फार्मूला है, X2 ये ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा शो कर रहा है, और हमारा SFG2। इसी तरीके से H2 की अगर हम बात कर रहे हैं H2 के लिए, तो क्या हो जाएगा HF2 हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा, और ये ड्राइनेस फ्रैक्शन हो जाएगा, और ये HFG2। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे। अब देखो S1 तो हमें ऑलरेडी पता चल गया, यहां से एंट्रोपी कितनी है 6.2104 है, हमें चाहिए कि S2 चाहिए, S2 के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे SF2 प्लस X2 SFG2। अब देखो ये क्या क्या है, 104 है, ये वैल्यू हमने चार्ट से देख के पता कर लिया है, कहां भाई ये है कितनी है 0.521 है, हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए, यही तो पूछा कैलकुलेट ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो यहां से हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी हमें चार्ट से हमने देख लिया है, ये देखो कितनी है 7.809। इसको हम सॉल्व करेंगे, अब यहां से पूरा मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, सॉल्व करेंगे तो 0.728 आ जाएगा, ये आ गया भाई ड्राइनेस फ्रैक्शन जो पूछ रहा था पहले पॉइंट पे। अब कह रहा है हमें चाहिए क्या, साइक्लिक इफिशियंसी चाहिए। अब साइक्लिक इफिशियंसी हमारी क्या होती है, अगर हम फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए कि डब्ल्यू नेट हमारा कितना है और हमारा Q1 कितना है, यानी Q इन कितना है, यही तो पता होना चाहिए। तो हमें W नेट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें W नेट को फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए
कि हमारा जो डब्ल्यू नेट कैसे फाइंड होगा। हमने अगर पढ़ा है, अगर रैंकिन साइकिल पढ़ा है, तो हमें पता होना चाहिए कि डब्ल्यू नेट कहां पे हो रहा है। एक हमें टर्बाइन पे है जहां पे वर्क मिल रहा था, और फीड पंप पे हम क्या है वर्क दे रहे थे, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल से दोस्तों बताया इसको कैसे निकालते हैं हमने, फिर भी मैं एक बार आप कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। यहां देखो अब क्या चाहिए, टर्बाइन का वर्क निकाल लें हम और इस फीड पंप का वर्क निकाल लें, तो हमें डब्ल्यू नेट पता हो जाएगा। तो हम करते क्या है, अब हमें एच टू की वैल्यू नहीं पता, यहां से हम क्या करते हैं एच टू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एच टू इक्वल टू क्या होगा, जैसे बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, एच एफ टू प्लस एक्स टू और एच एफ जी टू। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, हर एक प्रॉब्लम में डायरेक्ट पुट कर सकता हूं कि किस तरीके से स्टीम टेबल में आप देखेंगे। अब देखो एच टू को फाइंड करने के लिए एच एफ टू चाहिए। अब भाई हमें पता है कितनी है, ये वाली वैल्यू हमारी है 151.5 प्लस एक्स टू की हमने यहां से फाइंड कर लिया है ड्राइनेस फ्रैक्शन को, और एच एफ जी टू ये हमने यहां से फाइंड कर लिया चार्ट से, कितना है 241.5.9। इसको हम सॉल्व करेंगे जब पूरा, तो हमारा आएगा 1910.27। कैलकुलेशन दोस्तों आप कर लीजिए कैलसी से, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब भाई हमें ये भी मिल गया, अबे हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए टरबाइन में वर्क। अब हम देखते क्या है कि हमें टरबाइन में वर्क कितना मिला, ये हमारा क्या है टरबाइन का पोर्शन है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, डब्ल्यू टी चाहिए। ठीक है, अब अगर हमें डब्ल्यू टी चाहिए तो हमारा क्या होगा, एच वन माइनस एच टू होगा। भाई ये एच वन तो है, ये एच वन ही तो है, ये एच टू ही तो है, ये एच थ्री है, ये हमारा एच फोर है, और हमारा जो पंप है वो ये वाला वर्क डन है। तो पहले डब्ल्यू टी को फाइंड करते हैं, हमें चाहिए क्या, एच वन माइनस एच टू चाहिए। अब देखो एच वन को ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, देखो यहां पे अभी कहां गया हमारा एच वन, ये है, और एच टू को भी हमने ये फाइंड कर लिया, दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमें यहां दोनों पता चल जाएगा कि टर्बाइन का वर्क कितना है, ये किसका है, टर्बाइन का वर्क है। ठीक है, तो एच वन माइनस एच टू, एच वन हमारा कितना था 2802 माइनस 1910.27। ठीक है, एच वन और एच टू को माइनस करें आप, कैलसी से सॉल्व करिएगा, ये आएगा 891.73 किलो जूल प्रति केजी। ये आ गया आपका भाई टर्बाइन का वर्क। अब हमें चाहिए क्या, पंप में कितना वर्क हुआ था, कि हमारा पंप का वर्क डन हमारा कितना है, क्या यानी डब्ल्यू पी चाहिए। अब देखो ये हमारा क्या, ये पंप है, यानी अगर हम देखें तो यहां से एच फोर माइनस एच थ्री कर दें। ठीक है, क्या हम कर दें, एच फोर एच एफ फोर माइनस एच एफ थ्री, इतनी चीज कर दें, ये इसके बराबर होता है। लेकिन एक चीज देखो, हमें ना एच फोर की अभी पता है ना एच थ्री की पता है, तो एक फॉर्मूला आपको और पता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू वी होता है, पी इंटू वी होता है, क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू वी होता है। ठीक है, अब यहां पे जो वैल्यूम है, वैल्यूम क्या है, वो वी थ्री है, ये वाला वैल्यूम है। तो यहां से देखो रिलेट करो इसको, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, वी एफ थ्री है, और हमारा जो पी वन है वो हमारा कितना होगा, पी वन माइनस पी टू से क्रिएट होगा, क्योंकि प्रेशर तो भाई यही है ना, पी वन और पी टू। तो आप देखो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे इजिली वे में, और ये हमारा जो प्रेशर हमें गिवन है पी वन और पी टू, ये हमारा क्या है बार में, हमें चाहिए कितना किलो जूल में चाहिए, तो हम इजिली यहीं से चेंज कर लेते हैं। वी थ्री की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया कितना है 0.001, और ये कितना है 28 है, और ये कितना है 0.06 है, इसको हमने चेंज कर लिया 10^5, क्योंकि हमें चाहिए क्या किलो जूल में चाहिए, एक ही यूनिट में चाहिए, और ये हो गया 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2.79 किलो जूल प्रति केजी। अब देखो ये वाला हमने जो फॉर्मूला लगाया था यहां से, यहां पे देखो अभी हमें ये वाला वैल्यू तो पता नहीं है ना, एस थ्री तो हमने पता कर लिया है, लेकिन हमें एच एफ फोर नहीं पता इस वाला पॉइंट का, कि हमारा एंथैल्पी हमारा कितना है। तो देखो यहां से देखो हमने क्या किया, एच एफ फोर को इधर किया, और ये हमारा कितना हो जाएगा डब्ल्यू पी प्लस एच एफ थ्री। अब देखो डब्ल्यू पी के रखो कि हमारा डब्ल्यू पी कितना आया हुआ है डब्ल्यू पी के लिए। ठीक है, ये हमारा डब्ल्यू पी आ गया ना 2.7 आ गया, और एच एफ थ्री है वो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा हुआ है, कितना आया था
HF3 ये इसके बराबर है, इसके इसके दोनों को बराबर ही होगा ना ये, अरे यार देखो ऐसे, ठीक है HF3 तो ये हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 1.55। इसको सॉल्व करें यहां से तो आ जाएगा 154.29 किलो जूल प्रति केजी। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व भी मिल जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं एक एक करके। अब देखो अब हम ये यहां तक की चीज अगर फाइंड कर लिया है तो हमें चाहिए क्या, डब्ल्यू नेट हमें पता चल गया क्या हो गया, डब्ल्यू टी हमारा कितना है 0.73 और कितना ये 2.79, ये आ जाएगा हमारा 889.94 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब हमें इफिशियंसी चाहिए भाई, तुम्हारा क्या होता है डब्ल्यू नेट अपान क्यू वन, डब्ल्यू नेट हमारा कितना है ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। अब देखो अब हमें चाहिए क्या, क्यू वन चाहिए, इसका हमारा जो फाइंड करने का मेन मोटिव यही था, इसको मुझे बाद में सॉल्व करना चाहिए, यही मैंने सॉल्व कर दिया। अब Q1 कितनी हीट इन हो रही है, ये हमारा Q1 की अगर टर्म देखें, Q1 जो हमारी हीट इन हो रही है तो क्या हो रहा है H4-H1 हो रहा है, Q1 हमारा जो रंकाई साइकिल के अकॉर्डिंग हमारा क्या है H1-HF4, HF4 ऑलरेडी हमने फाइंड करके रख लिया है। ये देखो भाई अब इसको सॉल्व करो 889.941, H1 ऑलरेडी हमें गिवेन है कितना 2802 पॉइंट, ये हमने यहां से फाइंड कर लिया है 4.29। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हमारा जो आंसर निकल गया आएगा वह निकल गया आएगा 0.3357। अगर हम इसको परसेंटेज में रखते हैं क्योंकि साइकिल की एफिशिएंसी है तो ये इतना फाइंड होगा। ठीक है, ये तो गई वहां यहां की बात। अब दूसरा पूछा था कि हमारा वर्क रेशियो कितना है, देखो क्या पूछा था वर्क रेशियो कितना है इफिशियंसी के बाद में, तो वर्क रेशियो क्या होता है डब्ल्यू नेट हमारा कितना है और डब्ल्यू टी कितना है, ये वर्क रेशियो है दोस्तों। अगर वर्क रेशियो पूछता है तो टर्बाइन के टर्म में निकालना है, आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी मैंने जब रैंकिन साइकिल पढ़ाया है सारी चीजें बताई आपको। तो डब्ल्यू नेट कितना है हमारा 889.94 और डब्ल्यू टी ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा है 89.73, तो यहां से इजिली फाइंड हो गया ना 997। लो भाई अब कह रहा है एक चीज, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कितना होगा, ये भी देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कितना होगा भाई, डेली चल रही है 60x60 यानी 3600 और डब्ल्यू नेट हमारा कितना है ऐसे निकलता है ये, तो ये वाली वैल्यू हमें तो ऐसे रखना है। डब्ल्यू नेट ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा हुआ कितना 0.94, इसको सॉल्व करेंगे 4.049 किलो जूल पर किलो वाट आवर, ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये दोस्तों कंप्लीट वीडियो हुआ, काफी लंबा वीडियो बन गया है क्योंकि एक चीज मैंने पहला न्यूमेरिकल बताया हुआ, एक एक चीज बताइए, जब मैं सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। आप दोस्तों बात करेंगे रैंकाइन साइकिल की प्रॉब्लम के ऊपर, जैसा कि आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक में, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक में, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने कई सारी प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ है और रैंकाइन साइकिल के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, जिसको आप पढ़ के इस तरीके की प्रॉब्लम को क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। देखते हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक स्टीम इंजन वर्किंग ऑन रैंकाइन साइकिल ऑपरेट बिटवीन 1.96 MPa 250 डिग्री सेल्सियस एंड 13.7 KPa इफ द इंजन कंज्यूम स्टीम एट इन द रेट ऑफ 0.086 kg पर सेकेंड देन डिटरमाइन द रैंकाइन साइकिल एफिशियंसी। हमें क्या करना है, रैंकाइन साइकिल एफिशियंसी को फाइंड करना है निग्लेक्टिंग पंप वर्क, क्या जो हमारा पंप वर्क है उसको निग्लेक्ट करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द रैंकाइन साइकिल एफिशियंसी कंसिडरिंग पंप वर्क, यानी दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है जो हमारा पंप वर्क कर रहा है उसकी इफिशियंसी को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इसका पहले किस तरीके से हमारा रैंकाइन साइकिल का इसका डायग्राम बनेगा। ये हमारा क्या है टी है और ये हमारा क्या है यस है, इससे एंट्रोपी इस तरीके से कुछ इसका
डायग्राम बनता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से जाएगा पॉइंट 1 2, ठीक है। ये हमारा 1 पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। ये ऑलरेडी हमने सब डिस्कस किया हुआ है कि किस किस कंडीशन में कैसे हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 4 पॉइंट हो गया। ओके, कह रहा है कि इफ स्टीम इंजन वर्किंग ऑन रैंकाइन साइकिल, एक हमारा स्टीम इंजन है जो रैंकाइन साइकिल पे वर्क कर रहा है, कितना रैंकाइन साइकिल ऑपरेट बिटवीन 1.96 एमपीए। ये क्या गिवन है, उसका प्रेशर गिवन है। अगर देखो ये हमारा जो प्रेशर है किसमें गिवन है, 1.96 एमपीए में गिवन है। अगर इसको हमें बार में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 10 का मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा, 19.6 बार आ जाएगा। तो यहां पे जो प्रेशर है 19.6 बार है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे क्या है, जो हमारा P2 है वो कितना है, 13.7 केपीए है, ठीक है। इसको भी क्या है, बार में चेंज करेंगे हमारा तो आएगा 0.13 बार, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 0.13 बार है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्टली हमें करना क्या होता है, अगर इस तरीके से हमारा कंडीशन गिवन है और हमारा टेम्परेचर भी गिवन है, जो हमारा T1 है वो कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द इंजन कंज्यूम स्टीम एट रेट इतना कर पर केजी सेकंड, यानी ये दिया हुआ है जो हमारा एम है, इसे एम हमारा कितना दिया है, 0.086 किलोग्राम पर सेकंड। हमें पहले क्या करना है, स्टीम टेबल को देखना है। सब में यही प्रोसेस होता है, जितना भी हमारा रैंकाइन साइकिल की प्रॉब्लम आती है हमें स्टीम टेबल देखनी आनी चाहिए। स्टीम टेबल पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा 19.6 बार है और 250 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी। स्टीम टेबल दोस्तों हर एक प्रॉब्लम में मैंने आपको देखना बताया है, आप समझ गए होंगे कि स्टीम टेबल किस तरीके से देखा जाता है। तो यहां पे हमें क्या करा है, H1 की एंथैल्पी की वैल्यू चाहिए जो हमारी आती है 2902.5, ठीक है, किलो जूल पर केजी, इतना हो गया। और हमें यहां से क्या चाहिए होता है, S1 चाहिए होता है, एंट्रोपी कितना होगी, 6.545 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये हमारी क्या है, एंट्रोपी निकल आई और उसका जो वी वेफ वन है यानी जो उसका वैल्यूम है, ठीक है, वो हमारा कितना होता है, स्पेसिफिक वैल्यूम हमारा जो है वो होता है 0.111 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। ये तो हो गया किसके, P1 के बारे में, P1 के कंडीशन से, ठीक है। अब हमारा एक और गिवन है, जब हम स्टीम टेबल पे देखेंगे एट प्रेशर 0.13 बार, ठीक है। इस पे क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको एक बार स्टीम टेबल दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ये क्या है, स्टीम टेबल है, ये हमारा प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, स्पेसिफिक वैल्यूम हमारा यहाँ गिवन होता है वाटर की कंडीशन में, स्टीम की कंडीशन में, इसी तरीके स्पेसिफिक एंथैल्पी हमारी है वाटर की कंडीशन में, इवेपोरेशन की कंडीशन में और स्टीम की कंडीशन में, स्पेसिफिक एंट्रोपी ये हमारा क्या है, गिवन है। अब हमारा सेकंड प्रोसेस में क्या करा है कि एट 0.13 बार पे वैल्यू हमारी क्या क्या मिलेगी। देखो ये हमारा क्या है, प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा गिवन है, देखो कितना है, 0.13 है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो हमें यहाँ क्या 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 चाहिए, हमें चाहिए पहले HF2 हमारा कितना होगा, एंथैल्पी चाहिए हमें, ठीक है, वाटर की कंडीशन में। तो हमारा जो HF2 हमारा कितना होगा, देखो इसकी कंडीशन पे यहाँ पे देखो, ये देखो ये हमारा क्या HF2 है, ये वाला कितना है, 213.70, ठीक है। ये वाली वैल्यू को हमने लिख दिया 213.7, देखो यूनिट भी गिवन है हमारा, किलो जूल पर केजी है, तो ये हमें यहां से मिल गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, नेक्स्ट में सारी वैल्यू को हम यहां से लिख लेते हैं, HFZ2 चाहिए, ये क्या होता है, इवेपोरेशन की कंडीशन में हमारा होता है, जिसे हम L से डिनोट करते हैं या HFZ2 डिनोट करते हैं। तो क्या है, 2380.3 यानी 2380.3, ये हमारा क्या हो गया, 2380.2 केजी, ठीक है। इसी तरीके से हम एंट्रोपी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सेम इस पे के लिए देखो ये हमारी एंट्रोपी है, स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो यहां पे देखो कितना है, 0.7177, ठीक है,
देखो यूनिट हमारी ऑलरेडी गिवन है किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये हो गया, और हमें यहां पे क्या चाहिए, और हमें इसका क्या चाहिए, ये वाला भी वैल्यू चाहिए इवेपोरेशन का, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन पे। तो जो जो हमें यहां पे जरूरत है उसको हम क्या करेंगे, यहां से स्टीम टेबल से ले लेंगे। ये कितना गिवन है हमारा 7.3420, देखो तो यहां हो गया 7.3420, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो स्टीम टेबल आपको देखना समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रेशर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और हमारा जो वैल्यूम यहां पे मिलता है वो हमारा होता है 0.001013, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी। पहला हमारा स्टेप जो भी हम रैंकाइन साइकिल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हमारा जो स्टीम टेबल से हमें क्या कर रहा है, जो हमारा प्रेशर गिवन है उसकी ये सारी कंडीशन को हमें क्या करना है, फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से मान लो स्टेप फर्स्ट है, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको इजिली होगा सॉल्व करने में। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप कहता क्या है, यहां पे देखो जो हमारी एंट्रोपी होती है वो S1 इक्वल टू S2 होती है, ठीक है। तो अब देखो जब हमारी एंट्रोपी S1 इक्वल टू S2 है तो हमें बताया था अगर हमें S2 को फाइंड करना है तो सीधा हमारा क्या होता है फॉर्मूला SF2 X2, X2 क्या है हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन है, SF Z2, ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें H के टर्म में फाइंड करना है, सपोज H2 को फाइंड करना है, इंथाल्पी को फाइंड करना है, तो HF2 हो जाएगा X और ये हो जाएगा हमारा HFZ2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सेकंड स्टेप में आपके काम आएगा। तो ये हमारा मान लो हमारा जो स्टेप है वो सेकंड है। इसी तरीके से रैंकाइन साइकिल की प्रॉब्लम बिल्कुल दोस्तों इजी वे में हो जाएगी और आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एस, अब हमें S1 तो पता है, S1 तो ऑलरेडी हमने टेबल से देख लिया था। देखो S1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 6.545। हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था SF2। अब देखो SF2 की एक ही वैल्यू को देखते हैं, SF2 कितना है 0.7172 ना, 0.717 प्लस X2, हमें क्या चाहिए SFZ2 चाहिए। ये भी हमने टेबल से देख लिया था कितना है 7.342 इंटू 7.342, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर से माइनस करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यानी X2 की यहां से वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 0.7938। ये हमारा क्या आ गया, ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया। देखो इसको फाइंड करने का मेथड क्या है, अगर हम ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे तो हमें यहां से H2 मिल जाएगा, इसलिए हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड स्टेप में हमें इसी पे क्या करना है, H2 हमारा अगर फाइंड करना है तो हमारा क्या होगा, HF2 होगा प्लस X2 और HFZ2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए कि HF2 चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो HF2 भी हमने टेबल से देख लिया था, ये कितना है 213.7, ठीक है। अब हमें देखो X2 मिल गया ना, ये है 0.7938, और जो HFZ2 है ये ऑलरेडी हमने टेबल से देख लिया था, ठीक है, 2380 है, 2380.2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहां पे क्या हो जाएगा, एट 2 पॉइंट पे ये मिल जाएगी हमारी क्या एंथैल्पी, जो आएगा 20। आप दोस्तों कैलकुलेशन करिएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ये आ गया। अब देखो सीधी सी बात, अब हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अक्सर सब में यही पूछता है मोस्टली, डिटरमाइन द साइक्लिक एफिशिएंसी चाहिए। अब देखो किसी चीज को अगर हमें एफिशिएंसी को फाइंड करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका नेट वर्क कितना होगा, यानी W नेट अपान हमने हीट कितना अप्लाइड किया Q1, ये पता होगा तभी एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे। अब W नेट को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि टर्बाइन पे कितना वर्क हुआ और हमारा पंप में कितना वर्क हुआ, ठीक है। तो टर्बाइन का वर्क निकालते हैं और पंप का वर्क निकालते हैं, तो हम फाइंड करते हैं WT, यानी अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, टर्बाइन की। अब टर्बाइन के लिए हमें क्या है, यहां पे WT इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, MH1 - H2, ठीक है। देखो यहीं पे तो वर्क हो रहा है, ये हमारा क्या है H1 है, ये हमारा क्या H2 है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये न्यूमेरिकल का सेशन, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।
तो एच वन माइनस एच टू हो गया। अब देखो एच टू की वैल्यू ऑलरेडी यहां पे फाइंड कर ली है, एच वन की आपने टेबल से यहां फाइंड कर लिया हुआ है, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो m का वैल्यू है वो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है 0.086, ठीक है। अब देखो वैल्यू रखो यहां पे पूरी 086, एच वन को हमने वैल्यू रखा 2902.5, माइनस एच टू की वैल्यू हमने रखा 2103.10, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने तो 68.74 किलो, हमने क्या किया इसको किलो जूल पर सेकंड, ठीक है, फाइंड कर लिया। ये हमें वैल्यू डब्ल्यू टी की आ गई, कि यानी ये हमें मिल गई टर्बाइन का, ठीक है, टर्बाइन मिल गया। अब हमें क्या बताया था, हमने पंप का वर्क चाहिए, यानी डब्ल्यू पी पंप हमारा कितना वर्क कर रहा है। अब पंप कितना वर्क कर रहा है देखो, तो इसके लिए देखो यहां पे क्या है, ये हमारी पंप की कंडीशन होती है, ये वाला पंप, ये 4-5 कर दो, ठीक है, ये पंप का कंडीशन है, ठीक है। तो पंप के लिए अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, HF4 हमें पता होना चाहिए और HF3 पता होना चाहिए, तो यहां से हमें क्या है ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। बट हमें ये चीज कंडीशन भी गिवन नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे, आपको पता है W इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है पी इंटू वी, ये पता है, हम यहां से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी हमें पता है ऑलरेडी, हमें P1 भी पता है, P2 भी पता है, वैल्यूम भी हमारा टेबल से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम हमेशा जो पंप का वर्क है इसी तरीके से फाइंड करेंगे, यहां पे जितना भी हमारा रैंक है साइकिल की मोस्टली प्रॉब्लम आएगी, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा एम वी एफ टू और हमारा हो जाएगा P1 माइनस P2, इसको हमने यूनिट में चेंज किया है इसलिए 10^2 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है बार में है, हमें जो यूनिट चाहिए किलो जूल पर सेकंड में चाहिए, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो एम वी एफ टू, एम का वैल्यू ऑलरेडी पता है 086 है, और जो वी एफ टू है ऑलरेडी हमने टेबल से देखा था ये वाला, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.001013। P1 P2 कितना है 19.6 है, ये ऑलरेडी P1 आपको पता है, P2 भी आपको पता है, ये आपके क्वेश्चन पहले गिवन था, और ये 10^2। ओके, इसको पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है, ये निकल के आएगा 0.1696 किलो जूल पर सेकंड, ठीक है। ये 10^2 हमने क्या किया, मल्टीपल किया, चेंज किया हुआ यूनिट को, ठीक है। तो यहां से क्या है डब्ल्यू पी मिल गया, अब आपको डब्ल्यू पी भी मिल गया, ये मिल गया। अब हमें चाहिए हीट, कि हमारी हीट हमने कितना सप्लाई किया है, हीट सप्लाइड कितना, यानी Q1 चाहिए। अब हमने Q1 जो है हम कहां पे सप्लाई कर रहे हैं, इस पोर्शन पे, इसी पोर्शन पे हमारी हीट क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, क्योंकि यहां पे क्या है जो हमारा बॉयलर वो वर्क कर रहा है, यहीं पे हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पे H1 माइनस HF4, ठीक है, हीट हमारी सप्लाई हो रही है यहां पे, तो M हमारा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब H1 हमारा कितना है, ऑलरेडी हमने टेबल से फाइंड किया हुआ था, H1 कितना है 2902.5, और HF4 चाहिए, ठीक है, तो HF4 हमारा कितना होगा ये हम देखते हैं, तो हमें चाहिए क्या, HF4 चाहिए था। यहां देखो जब हम WP निकाल रहे हैं तो WP हमारा क्या होता है, WP हमारा क्या होता है HF4 माइनस HF3 भी होता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो जो हमारा HF4 है और HF2 जो होता है वो हमारा HF3 के बराबर होता है, यहां पे F3 के बराबर होता है, तो यहां से हमारा HF4 निकल आएगा, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारा टर्बाइन का निगलेक्टिंग है इफिशियंसी, निगलेक्टिंग हीट पंप वर्क अगर हमारा कर रहा है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा HF4 का यहां पे वैल्यू में फाइंड होगा डायरेक्टली, वो हमारा होगा 231.23, ठीक है, अरे सॉरी 7, इतना ही गिवन है देखो, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करिए, ये मिल जाएगा वैल्यू ऑलरेडी, तो यहां पे आएगा 231.23, ये हमारा क्या आ गया, Q1 आ गया, ठीक है। अब हमें फर्स्टली फाइंड क्या करना था, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी निगलेक्टिंग पंप वर्क, ठीक है, निगलेक्टिंग पंप वर्क अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारा क्या बताया था, डब्ल्यू नेट हमारा होता है, हमारी हीट कितनी सप्लाइड हुई, डब्ल्यू नेट ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, अभी डब्ल्यू नेट दोनों को क्या करना है, डब्ल्यू नेट के लिए ये, ठीक है, डब्ल्यू नेट अभी हमें क्यों कह रहा है कि ये
जो पंप है हमें निग्लेक्ट करना है, इसलिए भी इसको माइनस नहीं किया, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू को हम यहां पुट कर रहे हैं। ठीक है, कितना है 68.74। ठीक है, और हमारा जो Q1 कितना है 231.2। ठीक, तो यहां से हमें इफिशियंसी ऑलरेडी हमें फाइंड हो गई 0.297। अगर इसको परसेंटेज में करते हैं तो 297.7% हमारा आ जाएगा। अब अगर हम कर रहे हैं कि हीट सप्लाइड कंसिडरिंग, सेकंड आपको पूछा था, देखो दो क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है, फाइंड रैंकिन साइकिल इफिशियंसी कंसिडरिंग पंप वर्क। ठीक है, अगर हम पंप वर्क को कंसिडर कर रहे हैं यहां पे हम किसको, पंप वर्क को, तब हमारा क्या होगा इफिशियंसी, तो हमारा Q1 हमारा क्या था, MH1 माइनस HF4 था। ठीक है, ओके, तो अगर हम यहां पे देखते हैं डायरेक्ट, तो हमारा M हमारा कितना है, क्योंकि जो पंप का वर्क था यहां से, जैसे मैंने बताया था, यहां पे अगर हम देखें HF4 हमारा क्या निकल के आएगा, HF3 प्लस पंप वर्क, और HF3 हमारा क्या, F2 के बराबर, तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं HF2 प्लस WP। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी ये चीजें। तो यहीं से हमने अभी जो फाइंड किया था 213, ये वाला पॉइंट 213.23, तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू को रखना चाहें, HF2 हमारा कितना है और हीट पंप वर्क हमारा कितना है, तो देखो एक फॉर्मूला हमारा यहां से बन के आता है ना, ये तो हमारा Q1 हो गया, इसको अभी साइड में रखते हैं 2 मिनट। तो यहां से ये वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है ये वाला वैल्यू, लेकिन हमारा कह रहा था कि इसमें कंसिडरिंग हम कर रहे हैं वर्क को, तो हमारा आप यहां पे 0.086 निकलेगा एच के लिए, और H1 हमारा कितना है 2902.5 है, और हमारा जो HF4 है वो हमारा ये निकल के आया है 213.86। ठीक है, जो आपको मैंने इसके पहले बताया था, और यहां पे हमने क्या किया था, ये वाला जो वर्क निकाला था ऑलरेडी, उसको हमने किस मेथड से निकाला, हमने मान लिया था जो हमारा HF4 है वो हमारा HF2 के बराबर था। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि यहां पे क्या है, हमें कंसिडर नहीं करना था। अब देखो यहां पे ये वैल्यू में फाइंड हो गई किलो जूल पर सेकेंड, हमें चाहिए क्या था, रैंकिन कंसिडरिंग हीट पंप वर्क चाहिए था, तो हमारा आ गया डब्ल्यू नेट, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट अपॉन Q1। डब्ल्यू नेट हमारा क्या था, WT माइनस WP। अब WT हमने ऑलरेडी कितना फाइंड किया था, ये हमारा है 68.74। ठीक है, अपन जो WP कितना था, ये है हमारा WP 0.1696। यहां पे हमने क्या किया था, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखी थी, पंप का कोई इंक्लूड नहीं किया था, और हमारा क्या है 231.22, ये हमारा आ गया था, हमारा Q1 आ गया था यहां से। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, Q1 आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आएगा 0.2965, यानी 290.6%। ठीक है, ये देखो, और ये हमारा क्या था, विदाउट था। तो ये हमारा था क्वेश्चन, किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, आपको बस थोड़ा सा यही ध्यान देना है, सारा प्रोसेस वही है, सेम मेथड है, यहां पे हमें पंप वर्क जब इंक्लूड नहीं करना है तो डायरेक्ट हमें क्यू नेट ले लेना है, और यहां पे हमें क्या करना है, जब इंक्लूड करना है हीट पंप वर्क को, तो हमें दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, अगर कोई डाउट रह जाता है दोस्तों तो प्लीज दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे दोबारा कोशिश करूंगा और भी अच्छा बताने की। आप दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बॉयलर ड्राफ्ट का न्यूमेरिकल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बॉयलर ड्राफ्ट के बारे में, कि बॉयलर ड्राफ्ट होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम किस तरीके से आती है, जो 10 नंबर में आपके एग्जाम में अक्सर कभी कभी पूछ लेता है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बॉयलर मे हैव वेस्ट गैसेस लीविंग द इंस्टॉलेशन व्हेन आर्टिफिशियल ड्राफ्ट इज यूज्ड एट 150 डिग्री सेल्सियस। एक हमारा क्या है, इस तरीके से हमारा सपोज बॉयलर है, कोई नीचे काम कर रहा है, और इस तरीके से कुछ चिमनी बनी हुई है, अब यहां से क्या है, जो फ्लू गैसेस हैं वो निकल रही हैं। ठीक है, तो कह रहा है ये जो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट इज यूज एट इतना डिग्री सेल्सियस, यानी जो टेम्परेचर उसका वो कितना दिया है, 150 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अभी मैंने मान लिया जो टेम्परेचर हमारा जा रहा है उसको मैंने अभी डिनोट कर लिया T डबल डैश से। ठीक है,
वो भी कितना गिवन है, 150 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 हो जाएगा, ऐड करेंगे 150 पे, ये हमारा केल्विन में हो जाएगा 423 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द नेचुरल ड्राफ्ट चिमनी इज ऑफ 60 मीटर हाइट। जो इसकी हाइट है इस चिमनी की वह कितना गिवन है, एच हमारा कितना गिवन है, 60 मीटर गिवन है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि द हॉट गैसेस विद इन चिमनी आर एट टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि जो चिमनी के अंदर है, यानी जो गैसेस है उसका, जो अंदर फ्लू गैसेस हो रही है, यानी टीजी की बात कर रहा है ये, उसका जो टेम्परेचर गिवन है वो 300 डिग्री सेल्सियस गिवन है। मान लिया भाई ये हमारा जो टीजी है, कह रहा है ना हॉट गैसेस विद इन चिमनी, जो चिमनी की यानी अंदर है पूरा, वो कितना गिवन है, 300 डिग्री सेल्सियस है। इसको मैंने टी डबल डैश से, इसको टी डैश से मैंने मान लिया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, इसको चेंज किया, केल्विन में 273 हो जाएगा और ये हो जाएगा 573 केल्विन। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि एंड एयर रिक्वायरमेंट इज 19 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न। यानी जो एयर की रिक्वायरमेंट हो रही है उसमें, वह कह रहा है कि कितनी हो रही है, एम का वैल्यू कितना है, 19 केजी है जो एयर का रिक्वायरमेंट हो रहा है। एम हमारा कितना गिवन है, 19 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, यही कह रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट कह रहा है कि द एटमॉस्फेरिक एयर इज एट 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो ये अंदर का टेम्परेचर था, यानी अंदर का हो गया ये टीजी हो गया। अब एटमॉस्फेयर का भी भाई कुछ होगा, उसको मैंने टीए मान लिया, तो एटमॉस्फेरिक का जो टेम्परेचर है, जो हमारा टीए है, वह कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में हम चेंज करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 290। ओके, ये हमारा केल्विन हो गया। फिर कह रहा है कि एंड मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट गैसेस इज इतना। जो उसकी स्पेसिफिक हीट है हॉट गैसेस की, वह कितना दिया है, मैंने मान लिया सीपी हमारा गिवन है स्पेसिफिक का 1.0032 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, सारी चीजें हमें पता चल गई, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। तो कह रहा है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बर्न इज इतना। लो भाई आपकी कैलोरीफिक वैल्यू भी गिवन है, कितना गिवन है, 3264। ओके, तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि ड्राफ्ट प्रोड्यूस इन एमएम ऑफ वाटर, जो ड्रॉट है प्रोड्यूस इन एमएम ऑफ वाटर कितना होगा, यानी एच डब्ल्यू यहां पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एच डब्ल्यू कितना होगा। फिर सेकंड पूछ रहा है कि द इफिशियंसी ऑफ चिमनी क्या होगी। थर्ड पूछ रहा है एक्स्ट्रा हीट कैरिड अवे बाई फ्लू गैसेस पर केजी ऑफ फ्यूल, यानी एक्स्ट्रा जो हीट कैरिड अवे कितनी होगी फ्लू गैसेस पर केजी ऑफ फ्यूल जो हमारी बाहर निकल रही है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक एक को हम सॉल्व करते हैं कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ड्रॉट है प्रोड्यूस इन एमएम ऑफ वाटर, एमएम ऑफ वाटर की कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एच डब्ल्यू इक्वल टू 353, ये हमारा फॉर्मूला क्या गिवेन है, 1/TA एटमोस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर रहा है, ये होता है एम प्लस 1/m और 1/TG, टीजी क्या है, और जो फ्लू गैसेस है उनका टेम्परेचर। इतनी चीजें हमारी पता है। हम देखते हैं भाई हमें सारी चीजें पता है, 350 है जो एच है हमारा 60 गिवेन था, ठीक है, 1/TA कितना है, 290 है, 290 हमने रख दिया। अब क्या कह रहा है कि एम हमारा कितना है, 19 केजी है, 19 प्लस 20 19 हो गया, और 1/TG कितना था हमारा, टीजी 573। ये वाले जो फॉर्मूले दोस्तों आते हैं, अगर बॉयलर ड्राफ्ट से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन आता है वो मोस्टली फॉर्मूले पे बेस रहता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या कैसे निकालना है, इजिली वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। ये अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे कैलसी से, तो ये आएगा 34.13 एमएम ऑफ वाटर, क्योंकि इसी में हमारा पूछ रहा है एमएम ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गया पहला। सेकंड कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ द चिमनी, चिमनी की इफिशियंसी भाई कितनी है,
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है चिमनी की एफिशिएंसी का 9.81 एच एम अपान एम प्लस वन, ये होता है टीजी अपान टी ए माइनस वन अपान सीपी टी डैश माइनस टी डबल डैश। ये क्या है, चिमनी की एफिशिएंसी है भाई। अब किसी चीज की एफिशिएंसी किस तरीके से, कितना हमारा आउटपुट था उसका और कितना इनपुट था, तो उसी से रिलेटेड हमारी एफिशिएंसी एक तरीके से है कि हमारी चिमनी की एफिशिएंसी हमारी कितनी होगी। अब क्या करना है आपको, जो सारी वैल्यू है उनको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो 9.81 एच हमारा कितना है 60 है, एम हमारा कितना था 19 था, 90 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये हमारा कितना है टीजी अपॉन टीए, टीजी कितना है 573 है, और ये 290 माइनस वन, और ये वैल्यू हमारी सीपी ऑलरेडी हमें गिवन था क्वेश्चन पे, देखो ये हमारा सीपी भी गिवन है कितना है 1.0032, और हमारा टी डैश माइनस टी डबल डैश ये हमने डिनोट किया था टी ये वाला और ये, तो ये भी आपको गिवन है यहाँ पे कितना है 573 243 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। अब क्या है, इसको हमने यूनिट वेक्टर तरीके से चेंज किया हुआ है, अगर आप पूरा इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, कैलसी से आप सॉल्व करिएगा 431 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ये जाएगा ऊपर, अगर हमें परसेंटेज में ये चाहिए आंसर तो हम लिख सकते हैं 0.343% इफिशियंसी इजिली निकल आई है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला है आप इजी रख सकते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक्स्ट्रा हीट कैरिड अवे बाई फ्लू गैसेस, कितनी एक्स्ट्रा हीट इन फ्लू गैसेस से आउट हो रही है पर केजी ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो देखते हैं हमारी कितनी आउट हो रही है टोटल, कि हमारा एक तरीके से टोटल एक्स्ट्रा हीट हमारी कितनी जा रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा हीट कैरिड अवे कैरिड बाय फ्लू गैसेस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा हमारा एम प्लस वन इंटू सीपी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, और टी डैश माइनस टी डबल डैश, ठीक है। जहां पे एम हमारा गिवन है 19 है, ये कितना हो जाएगा 19 प्लस वन, सीपी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 32, और टी डैश हमें पता है 573 423, इसको क्या करेंगे आप इजिली सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझाना था इसलिए मैंने समझा दिया। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। आप दोस्तों हम बात करेंगे न्यूमेरिकल को, जो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है वो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, जो हमारा होता है प्रोपल्सिव पावर क्या होता है, या ओवरऑल इफिशियंसी क्या होती है, प्रोपल्सिव इफिशियंसी क्या होती है, वहां से न्यूमेरिकल लिया गया है। आपके एग्जाम में अक्सर 10 नंबर में ये दोस्तों क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि एक टर्बो इंजन कंज्यूम्ड एयर एट ए रेट ऑफ द 60.2 केजी पर सेकेंड। क्या कह रहा है, एक हमारा टर्बो इंजन है जो एयर को जो कंज्यूम कर रहा है वह कितना है 60.2, यानी एम ए हमारा गिवन है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है चीजें, कितना गिवन है 60.2 केजी पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन द फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, जब क्या कर रहा है वो इस स्पीड से क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, जो 1000 किलोमीटर दिया है ये हमारा क्या दिया है V1 गिवेन है, ठीक है। अब कितना गिवेन है, जो हमारा V1 है वो गिवेन है हमारा 1000 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में हम चेंज करेंगे, कितना है हमारा 1000 है, ये 1000 हो जाएगा और इंटू 60, ओके। इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारा नियर अबाउट आएगा 277.8 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आ गया V1। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ जेट व्हेन द एंथैल्पी चेंज इन नोजल,
ये हमारी क्या दिया हुआ है, इंथाल्पी चेंज दिया हुआ है डेल्टा एच 230 किलो जूल पर केजी एंड द वेलोसिटी कोफिशियंट इज, जो हमारा वेलोसिटी कोफिशियंट गिवन है जेड हम कह सकते हैं उसे, वो क्या बने गए 0.96 है। अब देखो यहां से हमें बी वन मिल गया, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अगर एग्जिट वेलोसिटी को फाइंड करना है तो हमारा एग्जिट वेलोसिटी क्या होगा, यानी वी टू की बात कर रहा है, वी टू क्या होगा कॉन्स्टेंट, ये हमारा होता है 2 डेल्टा एच इंटू 1000, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है ये हमारा गिवन है V1, तो यहां पे जेड का वैल्यू कितना है 0.96 और ये हमारा हो गया 2 और डेल्टा एच हमारा गिवन 230 1000, इसको यहां से सॉल्व करेंगे ये हमारा निकल के आएगा 651 मीटर पर सेकंड, यानी हमें V1 भी फाइंड हो गया और V2 भी फाइंड हो गया और ये हमारा क्वेश्चन पहला निकल के आ गया आंसर कि हमारी एग्जिट वेलोसिटी हमारी कितनी होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्यूल फ्लो रेट इन, कह रहा है कि अगर फ्यूल फ्लो रेट हमारा हो रहा है केजी पर सेकंड में तो व्हेन एयर फ्यूल रेशियो इज इतना, जो एयर फ्यूल रेशियो है और हमारा क्या गिवन है एयर फ्यूल, हमारा जो रेशियो गिवन है वह कितना है 70:1, ठीक है, तो क्या यहां पे हमें क्या फाइंड करना है कि फ्यूल फ्लो रेट हमारा कितना होगा। तो आपको पता है अगर हमें फ्यूल फ्लो रेट की मतलब यानी एमएफ की बात कर रहा है, ठीक है, तो फाइंड करना है तो क्या होगा रेट ऑफ एयर कंजम्पशन, कि हमारा एयर का कंजम्पशन हमारा कितना हो रहा है अपॉन एयर फ्यूल रेशियो कितना है, भाई इसी तो फाइंड करेंगे हमारा जो हमारा फ्यूल रेशियो है, अरे ये कंजम्पशन हमारा कितना हो रहा है, तो जो हमारा रेट ऑफ एयर कंजम्पशन है वह कितना गिवन है 60.2 है, क्योंकि इसी रेट से तो हमारी एयर आ रही है, ये कितना है 60.2 और ये रेशियो जी कितना है 70:1, यानी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो यहां पे कितना हमें फाइंड हो जाएगा 0.86 केजी पर सेकंड, ठीक है, एमएफ हमें मिल गया। अगर हम यहां से फाइंड करना चाहें तो कह रहे थ्रस्ट स्पेसिफिक कंजम्पशन कितना होगा, ये भी पूछ रहा है थ्रस्ट स्पेसिफिक कंजम्पशन कितना होगा, तो पहले हम यहां से फाइंड कर लेते हैं कि जो हमारा थ्रस्ट है वो कितना प्रोड्यूस होगा, यानी थ्रस्ट प्रोड्यूस, अब थ्रस्ट प्रोड्यूस का आपको फॉर्मूला पता है AMA यानी रेट ऑफ एयर कंजम्पशन कितना है एंड V2 माइनस V1 दोनों का वेलोसिटी का डिफरेंस। अब ये MA की वैल्यू कितनी गिवन है ये आपको यहां से पता चल गया 60.2 है और हमारा जो V2 माइनस V1 है ये हमारा V2 है और ये V1 है, यानी कितना है 651 माइनस 277.8, ओके, इसको सॉल्व करेंगे यहां से ये हमारा जो निकल के आएगा ये आंसर निकल के आएगा 22466.64 न्यूटन, हमने इसको क्या किया न्यूटन में लिया हुआ, ठीक है। अब हमें जो पूछ रहा था कह रहा है कि थ्रस्ट स्पेसिफिक कंजम्पशन कितना होगा, अब इसकी बात करते हैं तो अगर हमें निकालना है कि थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल हमारा कंजम्पशन कितना होगा तो हमें क्या फाइंड होना चाहिए कि हमारा फ्यूल का कंजम्पशन कितना है, ठीक है, फ्यूल हमारा कंजम्पशन कितना हो रहा है और हमारा थ्रस्ट कितना है, ठीक है, तो फ्यूल का कंजम्पशन ऑलरेडी हमने निकाल के रखा हुआ है अभी कितना आया था 0.86 और हमारा जो थ्रस्ट है वो हमारा आया था अभी आंसर 22466.64। दोस्तों आप कैलकुलेशन कर लेना, मेथड दोस्तों सेम यही रहेगा, तो यहां से मैं जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा 3.8 10^-5 kg न्यूटन, ठीक है, ये हमारा थ्रस्ट हमें यहां से मिल गया है। अब जो हमारा स्पेसिफिक थ्रस्ट है हमें नेक्स्ट क्या पूछा था कि हमारा प्रोपल्सिव पावर कितनी होगी, तो आपको पता है अगर हमें प्रोपल्सिव पावर निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमारा कितना एयर का कंजम्पशन हो रहा है एंड V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे आपको सारी चीजें पता है, सिर्फ क्या करना है पुट करना है, एम ए ऑलरेडी आपको पता है 60.2, ठीक है, अब V2 माइनस V1 भी आपको पता है कितना 651 माइनस 277.8, ठीक है, अब ये जो हमारा वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में था और ये हमारे 2 है, यहां हम 1000 से क्या करेंगे
क्योंकि ये हमारा जो गिवन है ये मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग है, हम इसे क्या कर रहे हैं डायरेक्ट किलोवाट में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे आप सीधा, तो यहां पे जो आंसर फाइंड होगा वो होगा 10433 5 किलोवाट। यहां आपको मिल गया कि हमारा प्रोपल्सिव पावर कितना होगा। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है कि प्रोपल्सिव इफिशियंसी कितनी होती है। तो प्रोपल्सिव अगर मैं इफिशियंसी को फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट पावर अपान प्रोपल्सिव पावर, दोनों का रेशियो हमारा होता है कि प्रोपल्सिव इफिशियंसी हमारी कितनी होगी, ये वाला पावर। ठीक है, प्रोपल्सिव पावर। अब थ्रस्ट पावर को ऑलरेडी हमने कैलकुलेट रखा हुआ है, या फिर यहां से जो उसको फॉर्मूला अगर हम देखे जो हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है 2V1 अपान V2 प्लस V1। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है, तो 2V1 ऑलरेडी आपको पता है 277.8 आया था हमारा, और ये V1 ये V2 हो गया, और ये हमारा हो गया V1 का वैल्यू। सीधे क्या करना है, पुट करके सॉल्व कर देना है, 598 आएगा, या फिर हमसे परसेंटेज में लिखना चाहें तो 8% आएगा, क्योंकि हमारी क्या ये इफिशियंसी है। ठीक है, एक और पूछा है लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगी, ओवरऑल इफिशियंसी इसमें क्या होगी। अगर हमें ओवरऑल इफिशियंसी निकालना है कि हमारी टोटल इफिशियंसी क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला जो दोस्तों होता है वो होता है जनरली थ्रस्ट वर्क अपॉन हीट कितनी सप्लाइड हुई है, हीट सप्लाइड बाय फ्यूल। ठीक है, और जो हमारा फॉर्मूला जल्दी दोस्तों उसका निकल के आता है वो निकल के आता है V2 माइनस V1, और ये हमारा होता है V1 अपान रेशियो किसका, MF अपान MA का, इंटू CV इंटू ये हमारा क्या है N रेशियो कंबक्शन का, जो हमने यहां पे कंसीडर किया और हम लेट कर लिए हैं, N कंबक्शन का हमारा जो रेशियो है वह 1 एफिशिएंसी से। तो ये सारी वैल्यू को क्या करना है, आपको पुट करना है, आपको V2 भी पता है, यहां आपको V1 भी पता है। ठीक है, एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 10 नंबर का दोस्तों अक्सर क्वेश्चन आता है, तो यहां से 170 इंटू ये हमारी क्या है कैलोरीफिक वैल्यू जो मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवेन है 1 इंटू 1000। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो ओवरऑल इफिशियंसी निकल के आएगी ये आ गया, इसको परसेंटेज में चाहिए 270%। तो ये हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से दोस्तों 10 नंबर का आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।